24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही योगी सरकार और यूपी पुलिस अतीक अहमद और उसके गुर्गों की धरपकड़ के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। इस मामले में अब तक कई एनकाउंटर हो चुके हैं, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इस मामले में फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम की राशि को भी बढ़ा दिया है। अब इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि जल्द ही अतीक की 100 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। ये बड़ी कार्रवाई अतीक पर प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है। ईडी के अधिकारी जांच के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। जाहिर है आने वाले वक्त में अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। यूपी पुलिस एसटीएफ के साथ साथ ईडी भी उस पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर चुका है। ईडी के सूत्रों की माने तो अतीक की लखनऊ, प्रयागराज समेत कई शहरों में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी हासिल हुई है। इनमें से ज्यादा संपत्ति अवैध है, इनको चिन्हित कर जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। खबर तो ये भी है कि ईडी की ये कार्रवाई सिर्फ अतीक तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसकी चपेट में उसके कई रिश्तेदार और परिवार के सदस्य भी आने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि माफिया अतीक अहमद के खिलाफ पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। नवंबर 2021 में ईडी ने अतीक के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई भी की थी। उस वक्त अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम लगभग 8 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया था। खबर है कि डरा धमकाकर अतीक ने इस संपत्ति को इसके मालिक से बहुत कम दामों में खरीदा था। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामले की जांच की जा रही है। बता दें सिर्फ अतीक ही नहीं बल्कि उसके भाई अशरफ के खिलाफ भी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें अतीक के लड़के असद की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। असद पर 5 लाख का इनाम घोषित है। असद की लोकेशन नेपाल बताई जा रही है, जहां पर दबिश देने के लिए एसटीएफ पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि अतीक और मुख्तार अंसारी के नेपाल में बहुत सारे लिंक्स हैं, जिनके आधार पर असद और उसके साथी वहीं पर छिपे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में अतीक और उसका पूरा परिवार उमेश पाल मर्डर केस में सजा भुगतता हुआ नजर आएगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए, ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया, आपने माफिया के खिलाफ जवाब आ जाए, जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम लिया ना, किसी का नाम सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था, आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसी हाल कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? कफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करें।
देखा। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। मैं सच नहीं कहा, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। और आज ये लोग अपनी सापोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले, आपने जो बात कहनी आपकी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ऐसा नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी।